इससे रूपा जी सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यूएस सोयाबीन वायदा $1700 के नीचे लुढ़का है, लेकिन $1680 के करीब है, अभी $1680 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है इंडिया में भी अब सोइंग सीजन सोयाबीन का शुरू हो जाएगा कुछ ही टाइम में, तो क्या अब जितनी तेजी सोयाबीन में आनी थी क्या अब वो आ चुकी है, या फिर ये जो ओवरऑल ग्लोबली सोयाबीन की जो सप्लाई है वो टाइट देखने को मिल रही है उसका वजह से उसकी वजह से यहाँ पे अभी भी तेजी बनने की कुछ उम्मीद है? देखिए अभी तेजी बनने की बिल्कुल उम्मीद है, सोयाबीन की कीमतों के ऊपर भी उछाल देखने को मिल सकता है। अब देखिए काफी जगहों पर हम देख रहे हैं कि अदर जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके भी जो है सप्लाई वो इंपैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। काफी जगहों पर हमने देखे कनोला की क्रॉप भी खराब हुई है, और जहां तक ये रूस और यूक्रेन की वजह से सनफ्लावर ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर भी इंपैक्ट आया है और अब सीपीओ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो सभी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो एडिबल ऑयल पैक का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सोयाबीन और सरसों दोनों की ही कीमतों में उछाल दर्ज किया जा सकता है। जी,